आप डॉक्टर नहीं है ना तो डॉक्टर ही करिए ना, किसी के घर में मत जाकी है। अब अगर आपने एक और बार अपनी बीवी पर हाथ उठाया ना तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। इस सुकून की कोई कीमत नहीं, आज मुझे सुकून है क्योंकि मेरे सपने सच हो रहे। भाई और बहनों, ये क्लिनिक महिलाओं की है, उनके लिए है, उनके द्वारा है। हम चाहते हैं कि हमारे हर गांव में इस तरीके की क्लिनिक हो। महिलाओं की स्वास्थ्य का विचार हमारे सामाजिक सोच में सबसे ऊपर हो। मां से कोई पाप नहीं है, कुदरत की देन है। एक महिला के मजबूत होने की निशानी, कमजोरी की नहीं। गोद भी तो लिया जा सकता है, किसी और का खून। खून का रंग तो सबका एक ही होता है ना, तो फिर भेदभाव कैसे? कि जो भी दवा और उपकरण गर्भपात के दौरान इस्तेमाल होंगे उनकी गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाएगा, जिससे कोई चोट या इन्फेक्शन ना फैले। काश कि किशोर अवस्था में माँ बाप बैठकर बच्चों से बात कर सकते, उन्हें समझ सकते। इंसान को अच्छा बनने के लिए अपनी और दूसरों की बुराइयों से लड़ते रहना होता है। आंसुओं की लाचारी के साथ नहीं, हंसी की ताकत के साथ दुनिया का सामना करो। मैं हूँ तुम्हारे साथ। जब लड़के और लड़कियां जमकर मैदान में खेलेंगे तो क्या हंगामा होगा? सभी दर्शकों को बता दूं कि ये 3 मैचों की श्रृंखला है, यानी कि दोनों टीमों के बीच 3 मैच हो और उसमें से जो टीम 2 मैच जीत जाएगी वो विजय होगी। पहली बार ये देखने को मिला है किशोर और किशोरियां एक साथ ग्राउंड में फुटबॉल खेलेंगी। इसके लिए मैं डॉक्टर स्नेहा, अपने सरपंच जी, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। बदले से बदलाव तक का सफर रघु के लिए काफी मुश्किल था, मगर रघु ना टूटा ना हारा और इंस्पेक्टर मधोक ने उसे काफी सहयोग दिया। मेरी पहचान तो रघु सर, इसे तो हम कब से ढूंढ रहे हैं, आपको कहां से मिली? 5वां पन्ना खोलो, पढ़ो।
है उम्मीद के इन सलाखों के पार अंधेरे का कंबल नहीं रोशनी की छतरी हो, है उम्मीद के इन सलाखों के पार अंधेरे का कंबल नहीं रोशनी की छतरी हो, है उम्मीद के इन सलाखों के पार रोता हुआ आकाश नहीं मुस्कुराती हुई धरती हो। रोशनी की छतरी लिए मुस्कुराती धरती पर, रोशनी की छतरी लिए मुस्कुराती धरती पर मैं एक नया जन्म लेकर उतरना चाहता हूं, अपने कुछ कर्मों का बोझ उतारना चाहता हूं। रोशनी की छतरी लिए मुस्कुराती धरती पर मैं एक नया जन्म लेकर उतरना चाहता हूं, अपने कुछ कर्मों का बोझ उतारना चाहता हूं, है उम्मीद के इन सलाखों के पार एक नई जिंदगी हो। इन सलाखों के भीतर भी तुमने खुद को टूटने नहीं दिया, रखो खुद को जोड़ कर रखा और इतने खूबसूरत शब्दों से पिरोए। बहुत कुछ कहती हैं तुम्हारे बारे में ये लाइनें, अच्छाई और सच्चाई कभी नहीं छुपती, बदले से बदलाव तक का रास्ता बहुत मुश्किल होता है रघु। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने वो रास्ता चुना। सर जिस दिन से भटका हूं ना उस दिन से कभी लौट कर वापस घर नहीं गया। घर की अहमियत क्या होती है अब पता चलता है। सर वापस घर लौटने के लिए मुझे चाहे जितनी भी कठिनाइयां जितनी भी मुश्किल से क्यों ना गुजरना पड़े मैं उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हूं। सर दिल जीत लिया रघु तुमने मेरा। जिस तरह से तुम यहां के सारे कैदियों को पढ़ा रहे हो उनके अंदर सकारात्मक सोच का बीज डालने की कोशिश कर रहे हो, गर्व है मुझे तुम पर। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं तुम्हारा। प्रतापपुर और सुल्तानपुर के बीच तीसरा मैच है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। लेकिन सर क्यों तुम खुश नहीं हो? नहीं खुश हूं सर, मैं खुश हूं। डर है, थोड़ी सी घबराहट है सर। मुझे वापस मैदान में देखकर कहीं वो लड़कियां वापस से, और प्रीता अपने अक्स की भी जो परछाई बदल दे वो हर इंसान से आगे है, अपने अक्स की भी जो सच्चाई बदल दे वो हर पहचान से आगे है। डर के आगे ही तो जीवन के सही मायने शुरू होते हैं ना रघु। मैं आऊंगा तुमको लेने, इस डायरी का हर पन्ना अपने इन्हीं खूबसूरत शब्दों से भर दो। मैं लेने आऊंगा तुमको। इस गोल के साथ सुल्तानपुर प्रतापपुर से 2-2 की बराबरी पर। खेल फिर से शुरू और दोनों टीमें बहुत तेजी से खेल रही हैं, लेकिन ये क्या, एक के बाद एक प्रतापपुर के खिलाड़ियों को जख्मी करने की कोशिश हो रही है। ये फिर से प्रतापपुर का खिलाड़ी गिरा। हार रहे तो चीटिंग कर रहे हैं।
प्रीता एक बार फिर से मैदान में लौटी। उसके चेहरे पर वही रोशनी थी, आंखों में वही जज्बा। और अब आखिरी किक लेने आएंगी प्रतापपुर की कप्तान प्रीता। फिर आगे जो हुआ उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रीता, 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 प्रतापपुर की इज्जत का सवाल है, छूकना मत प्रीता। एक बात याद रखना, आसमान को जमीन की धूल बना सकती, हौसले की नैया से हर तूफान पार कर सकती। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। महिलाओं में अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की मैंने एक अद्भुत क्षमता देखी है। अगर मौका दिया जाए तो गाढ़े अंधेरे में भी बेखौफ होकर रोशनी ढूंढने निकल जाती हैं। चाहे वो बाबा पहलवान की जानलेवा और अंधविश्वास से भरी चिकित्सा की विरोध में लड़ाई हो या फिर महिला मंडल का गठन। हानी लिमा, दीदी, फुलवा नाम की एक औरत है ना? हाँ, क्या हुआ?
दीदी उसका पति बहुत ही बड़ा शराबी है। फुलवाने अपने बच्चों के लिए दूध और बिस्किट के लिए पैसे जमा करके रखे थे। वो उसके पैसे छीन रहा था, बस उसके मना करने पर वो उसको बहुत मार रहा है। दीदी तुम जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ और मंडली की सभी औरतों को इकट्ठा करो। उनसे कहो थाली चम्मच पीट पीट कर उसका घर घेर ले, उसके पति को शर्मिंदा करें, उसका ध्यान भटकाएं ताकि वे मारपीट करने से रोक सके। मैं भी पुलिस को खबर करती हूँ। पुलिस को आने में देर हो इससे पहले हमारी मंडली को तैनात होने बोलो। मैं भी पहुँचती हूँ। पंचायत करने आयो, थाली काहे बजा रहे हो? चलो भागो ऐसे, ये हमारा आपस का मामला है, समझे तुम? चलो भागो, भाग। अरे बोलिए, बोलिए। आप लोग फिर से तमाशा बना रहे? अरे जाइए यहां से, ये मेरा घर है और मैं यहां का मालिक हूं, समझे क्या आप लोग? अरे मेरी बीवी को मार खाने से कोई आपत्ति नहीं तो आप लोग काहे नौटंकी बना रहे? और आप डॉक्टर नहीं है ना, तो डॉक्टर ही करिए ना, किसी के घर में मत जाकिए। अब अगर आपने एक और बार अपनी बीवी पर हाथ उठाया ना तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। पुलिस, तुम लोगों को देख लूंगा सबको। हकीकत का चेहरा खूबसूरत होता जा रहा है। कदम भले ही छोटे क्यों ना हो पर कमजोर नहीं होने चाहिए। विश्वास भरे छोटे छोटे कदमों से लंबा सफर तय किया जा सकता है। आज मुझे सुकून है क्योंकि मेरे सपने सच हो रहे हैं।
सकती।